अस्सलाम वालेकुम एवरीवन हाउ आर यू ऑल आई होप एवरीवन ऑफ यू इज़ फाइन आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर हंड्रेड एंड ट्वेल्व फॉर इंटर पार्ट वन जिसमें हम लोग यूनिट नंबर फोर लिक्विड्स एंड सॉलिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सॉलिड्स जिस तरह के आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने कवर किए हैं डिफरेंट सॉलिड्स की कैटेगरीज क्रिस्टला एंड सॉलिड की जिसमें हमने स्टडी किया है आयनिक सॉलिड के बारे में कोविलेंट सॉलिड के बारे में और उसके अलावा हमने स्टडी uh, किया था मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्थ कैटेगरी ऑफ सॉलिड्स दैट इज़ द मेटेलिक सॉलिड्स सो जब हम बात करते हैं सॉलिड की हमने कहा था कि सॉलिड टू टाइप्स के हैं क्रिस्टल एंड सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स अमॉर्फस सॉलिड में कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं होता उसके पार्टिकल्स का जबकि क्रिस्टल एंड सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स यानी कि एटम्स आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं ख़ुद को अरेंज करने के लिए सो so, अगर हम लोग बात करते हैं आयंस की तो वो आयनिक सॉलिड हैं जिसके अंदर आयंस अल्टरनेटिवली एक दूसरे के साथ अरेंज हैं और टाइटली पैक्ड हैं जिसकी वजह से उनके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की दैट वाज अबाउट द कोवेलेंट सॉलिड जिन्हें हम एटॉमिक सॉलिड भी कहते हैं बिकॉज उसके अंदर अरेंजमेंट देखने को मिलती है एटम्स की तो कोवेलेंट सॉलिड के अंदर भी एटम्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं वायल इन मोलिक्यूलर सॉलिड्स बात होती है मोलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की एंड नॉट ओनली मोलिक्यूल्स वहाँ पे मोलिक्यूल के अंदर जब एक्सरे से देखा गया मोलिक्यूल्स अरेंज तो हैं प्रॉपरली एक पैटर्न को फॉलो करते हुए तो ना सिर्फ मोलिक्यूल्स बल्कि मोलिक्यूल जिन एटम से पे मुश्तमिल हैं जिन एटम से मिल बने हैं वो भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं सो so, यहाँ तक हमने बात की है आइंस आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की अब हम लोग अगर बात करें मेटेलिक सॉलिड्स की तो ये वो सॉलिड्स हैं जो मेटल्स होते हैं नेचर में मेटल्स क्या हैं आप जानते हैं अगर हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लें मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन कंडक्ट हीट तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं हीट को कंडक्ट करते हैं तो क्या रीज़न है कि मेटेलिक सॉलिड जो हैं वो बेस्ट कंडक्टर हैं हीट के बेस्ट कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के और uh, सॉलिड yeah, स्टेट में भी एज वेल एज लिक्विड स्टेट में भी ये कंडक्ट कर सकते हैं इसकी रीज़न क्या है कि अगर हम इसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स uh, के अरेंजमेंट को देखें तो इनके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो अरेंज हैं किसी एक ख़ास पैटर्न को फॉलो करते हुए एटम्स और एटम्स के अरेंजमेंट की, की वजह से यहाँ पे जो मेटालिक सॉलिड्स हैं उनके वो ये बहुत इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर इतनी फोर्स नहीं होती आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जिसकी वजह से दे कैन ईजिली कम आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक शेल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ईजीली शेल से बाहर आ जाएंगे रहेंगे उस ओवरऑल फुल स्ट्रक्चर के अंदर मेटालिक सॉलिड के अंदर ही लेकिन दे विल लीव देयर एटम्स एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएँ तो ऑब्वियसली वो कैट आयंस यानी कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा एटम्स के ऊपर यह पॉजिटिव चार्ज अलहदा से डेवलप नहीं होगा बल्कि ये थ्रू आउट द मेटेलिक सॉलिड या होल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होगा जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्री हुए थे अगर हम उनको देखें तो इलेक्ट्रॉन्स भी इनके सराउंडिंग में ही प्रेजेंट होंगे इस तरह के अरेंजमेंट बताने का मकसद क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे डू नॉट बिलोंग टू अ स्पेसिफिक एटम वो किसी एक खास स्पेसिफिक एटम से बिलोंग नहीं करते बल्कि वो ओवरऑल पूरे सॉलिड स्ट्रक्चर से सॉलिड मटेरियल से बिलोंग करते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होती है या हीट की कंडक्शन है वो इसीलिए मेटेलिक सॉलिड कर सकते हैं कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाए यहाँ से प्रोवाइड की जाए तो यहाँ पर मौजूद जो इस एरिए में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल रिसीव द चार्ज एंड दे विल ट्रेवल टू द अदर पार्ट ऑफ द मैटर हर पार्ट में और इस तरह से वो अपना चार्ज डोनेट करते जाएंगे आगे बढ़ाते आते जाएंगे तो ये है मेटेलिक सॉलिड का स्ट्रक्चर कि यहाँ की और वो एटम्स जो हैं जब अरेंज हैं तो उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके बाहर आ जाते हैं और ओवरऑल वो पूरे मेटल के सॉलिड के अंदर फ्रीली uh, रोटेट करते हैं तो हेयर द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू होल सॉलिड नॉट वन सिंगल एटम सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक सॉलिड बहुत सारे डिफरेंट थ्योरीज प्रोपोज की गई थी जिनके बारे में हम कुछ को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में जिनको हम स्टडी करने वाले हैं सो so, जब आ... इंसान जिस तरह तरक्की कर रहा है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप हो रहे हैं तो हर चीज़ को इंसान स्टडी कर रहा है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सो जब मेटालिक सॉलिड के बारे आई तो जब स्ट्रक्चर का शुरू में आ, नहीं समझ आ रही थी जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाए सो so, उस टाइम पर डिफरेंट साइंटिस्ट अपने अपनी स्टडीज़ के हिसाब से अपने अपने रिजल्ट के हिसाब से थ्योरीज पेश किया करते थे इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेटेलिक सॉलिड सो हम उन थ्योरीज़ को देखेंगे कुछ थ्योरीज थी जो एक्सपेरीमेंट्स के बाद फेल हो गई थी वो पूरी तरह से मेटेलिक सॉलिड के स्ट्रक्चर को उनके बिहेवियर को उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी जबकि देर आर सेवरल थ्योरीज डेट वर एक्सेप्टेड एट देयर ऑन टाइम यानी कि जिस दौर में जिस ज़माने में उनको प्रजेंट किया गया था उस ज़माने में जब उनको टेस्ट किया गया तो वो पूरे तरीके से पास होती गई और इस तरह से वो थ्योरीज एक्सेप्टेबल हो गई थी सो so, हम उन थ्योरीज को डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट थ्योरी है मेटेलिक बॉन्डिंग की इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी कहते हैं अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी की सो इट वाज प्रोपोज्ड बाय अ पर्सन ड्यूड एंड इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड बाय अनदर पर्सन लॉरेन इन नाइनटीन यानी कि आप कह लें इट्स इट इज ऑलमोस्ट हंड्रेड ईयर्स ओल्डर ये बहुत पुरानी थ्योरी है इट वॉज प्रजेंटेड बाई फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रूट और ड्रूट के बाद लॉरेंट ने फर्दर इसको एक्सटेंड किया था इसको फर्दर एक्सप्लेन किया था सो so, अब उनके हिसाब से क्या है क्या थ्योरी है इलेक्ट्रॉन पुल की या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी की जिस तरह जिसके मुताबिक उन्होंने मेटालिक सॉलिड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो हर एटम जो मेटल क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट है इट विल लूज ऑल ऑफ इट्स वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स नॉट सिंगल इलेक्ट्रॉन जितने भी उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे यानी वेलेंस शेल जैसे हम कहते हैं या फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को हम वेलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो कि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है सो उस उस मेटल के जितने भी एटम थे उनके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे तमाम के तमाम बाहर आ गए यानी कि एटम विल लूज देम एटम से ये बाहर आ गए सो दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे विल फॉर्म अ पूल और दे विल फॉर्म अ गैस सो और अब इलेक्ट्रॉन्स ने एक पूल बना लिया है जबकि इलेक्ट्रॉन चूंकि एटम से बाहर आ चुके हैं सो दे बिकम द एटम्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस एंड दे आर बिलीव टू बी हेल्ड टुगेदर बाय दिस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं एटम्स के जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए हैं उनकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी थे वो तमाम के तमाम बाहर आ गए हैं तो इस हिसाब से उन्होंने कहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूल के तौर पर या फिर गैस के तौर पर पूरे के पूरे मेटेलिक सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू कीप दीज पॉजिटिव मेटल इन टू देयर फिक्स्ड पोजीशन वो इन पॉजिटिव मेटल आयंस को अपनी अपनी पोजीशन में रखने के जिम्मेदार होते हैं यानी कि दे विल होल्ड दैम इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेस तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं दे ऑक्यूपाई अ डेफिनेट पोजिशन और दे आर मेजरेबल डिस्टेंसेज फ्राम ईच अदर अगर हम किसी भी मेटल के क्रिस्टल को देख लें उसके क्रिस्टल लेटेस्ट को देखें उसके अंदर अगर हम अरेंजमेंट को देखें तो इलेक्ट्रॉन्स हमने कहा यहाँ पर गैस या पूल के तौर पर प्रेजेंट है इसीलिए इनकी कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस इनके दरियान में नहीं है इनकी कोई स्पेसिफिक पोजिशन नहीं है दे आर स्प्रेड रेंडमली जबकि अगर हम पॉजिटिव आयंस की बात करें तो चूंकि ये किसी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस हर पॉजिटिव आयन का दूसरे पॉजिटिव आयन के साथ लाइक दिस वन इसका अपने इर्द गिर्द नेबरिंग हर पॉजिटिव आयन के साथ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होगा जो कि उसने मेंटेन किया होगा एंड uh, इसको हम लोग मेटल्स uh, के क्रिस्टल लेटेस्ट में स्टडी कर सकते हैं जबकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल में इन पॉजिटिव आयंस पहले ये न्यूट्रल एटम्स थे तो क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज किया दैट इज वाई दे हैव कन्वर्टेड इन टू पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल्स सो इन्होंने जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं दे आर नॉट अटैच टू एनी इंडिविजुअल आयन और अ पेयर ऑफ आयंस रेदर दे बिलोंग टू द होल क्रिस्टल यानी कि जिस तरह मैं पहले भी बता रही हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे उस मेटालिक क्रिस्टल से बिलोंग करेगा ना कि वो स्पेसिफिक किसी एक या दो एटम से बिलोंग करता हो ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं इसीलिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने साथ अटैच कर लेंगे मेटल आयंस में ऐसा नहीं होता दे आर दे एग्जिस्ट अलोंग विद ईच अदर और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नॉट बाउंड दे आर नॉट रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक एटम और एटम्स या आयंस, दे आर दे बिलोंग टू द होल क्रिस्टल सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं चूँकि ये किसी एक से या किसी दो एटम या आयन से बाउंड नहीं होते दैट इज़ वाई दे आर फ्री टू मूव यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस पार्ट में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को कंडक्ट करते हैं तो यहाँ पे इस एरिया में जितने भी एटम्स हो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज को या हीट को अपने अंदर उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे एंड दे विल ट्रैवल टू अदर पार्ट्स ऑफ एटम सो so इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन हैं दे आर फ्री टू मूव उनके ऊपर कोई भी बाउंड नहीं है क्योंकि कि ये किसी भी एक पार्टिकुलर एटम या आयन से इसीलिए ये बाउंड नहीं है कि इसी डिस्टेंस में या इसी एरिया में रहें बल्कि थ्रू आउट द क्रिस्टल दे कैन ईजीली मूव सो अब क्या फोर्स है जो इन मेटल के कैट आयंस को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाउंड करके रखती है एक स्पेसिफिक एरिया uh, पे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे तो ये जो फोर्स है इसको हम मेटालिक बॉन्ड का नाम देते हैं ये फिगर जो मैंने आपको बताई है ये इस पूरे इलेक्ट्रॉन पुल या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी को एक्सप्लेन करती है यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ऑल दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किसी एक स्पेसिफिक एटम या आयन के साथ बाउंड नहीं है लेकिन फिर भी इनके दरम्यान में एक फोर्स है जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को आ, इस मेटल के अंदर एक पार्टिकुलर जगह पे इन कैट आयंस को बाउंड करके रखती है दे आर नॉट एबल टू मूव जैसा कि अभी तक हम जितना भी पढ़ते आए हैं आयनिक सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड या मोलिकुलर सॉलिड हर एक सॉलिड में एक फोर्स थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी जो कि पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े हुए थी तो सिमिलरली मेटालिक सॉलिड के अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स है जो बाउंड किए हुए है इन पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ ताकि पार्टिकल्स अपनी ख़ास पोजिशन पर मैंटेन रख सकें अपने आप को सो दिस फोर्स इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड उसके बाद एल पॉलिंग आए एक और साइंटिस्ट हैं एल पॉलिंग ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द मेटालिक बॉन्ड उन्होंने कहा कि अब ये फ़ोर्स है जाहिर सी बात है जब इसको अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह की फोर्स होगी क्या नेचर है उसका और किस तरह वो वर्क करती है बिटवीन द पॉजिटिव कैट आयंस तो ही ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस मेटालिक बॉन्ड अकॉर्डिंग टू वेलेंस बॉन्ड थ्योरी उन्होंने अपनी थ्योरी पेश की थी वेलेंस बॉन्ड थ्योरी और उस हिसाब से उन्होंने इस मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह से ये वर्क करती है इन द मेटल्स सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो मेटेलिक बॉन्ड है इट इज ट्रीटेड एज कोवेलेंट जो मेटेलिक uh, बॉन्ड है अगर हम उसकी नेचर को स्टडी करें तो वो कोविलेंट बॉन्ड के जैसी ही है लेकिन यहाँ पे ये यह जूम किया जाता है कि आ, जो कोविलेंट बॉन्ड है दे आर नॉट लोकलाइज्ड एंड देर हाईली डी लोकलाइज्ड इन मेटालिक स्ट्रक्चर जैसे आम तौर पर अगर हम कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ते हैं किसी भी दो एटम के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ दो आइटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं और उस शेयरिंग की वजह से उनके आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है तो बेलेंस बॉन्ड थ्योरी में एल पॉलिंग ने भी यही कहा था कि जो मेटालिक बॉन्ड है उसकी नेचर कोवेलेंट बॉन्ड के जैसी ही है यानी कि जिस तरह से एटम्स एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रेजेंट होते हैं उनके दरमियान में बॉन्ड बन जाता है तो यहाँ पर भी एक तरह से थ्रू आउट द स्ट्रक्चर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की हर पार्टिकल हर आ, एटम ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और हर एटम यहाँ पर कैटाइन में तब्दील हो गया है बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन बट इन द केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड था वो लोकलाइज था यानी कि इट वाज प्रेजेंट बिटवीन स्पेसिफिक एटम्स और वो अंदाज़ा लगाया जा सकता था देख के ही कि, कि किन एटम्स के दरम्यान में कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है हाउ एवर इन द केस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये जो मेटेलिक बॉन्ड है दिखने में नेचर वाइज ये कोवेलेंट बॉन्ड के जैसा ही है कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है बिटवीन ऑल ऑफ़ द एटम्स लेकिन दिस इज नॉट लोकलाइज दिस इज हाईली डी लोकलाइज स्ट्रक्चर ऑफ़ एक या पार्टिकल्स के दरमान की बात नहीं है बल्कि भी मेटल होगा उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो इस मेटेलिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने और शेयरिंग वो किसी और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स overall, overall को रिलीज कर देते हैं और उनके दरमियान में बॉन्ड बन जाता है जिसे हम मेटालिक बॉन्ड का नाम देते हैं so सॉलिड है क्या होते हैं और कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो कि पेश की जा रही है टू एक्सप्लेन दी मेटालिक सॉलिड्स हमने टू डिफरेंट थ्योरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया है फ़र्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉन पूल या फिर इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ़ मेटल को स्टडी किया है और इसमें देखा है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्रीली रिवॉल्व कर सकते हैं रोटेट कर सकते हैं थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ऑफ़ मेटल और ये किसी एक खास आइटम या आयन के साथ बाउंड नहीं है दैट इज वाई दे कैन रोटेट फ्रीली दे कैन गो अराउंड दे कैन मूव अराउंड फ्रीली जबकि सेकेंड जो हमने थ्योरी देखी है वेलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे एल पॉलिंग ने पेश किया था उन्होंने इस uh, कोवेलेंट बाउंड को जो कि मेटेलिक uh, बॉन्ड को जो कि मेटल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है जो कि इसके पार्टिकल्स को आपस में जोड़े हुए रखे हुए है, हैं उन उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इट इज़ सिमिलर टू कोवेलेंट बॉन्ड बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड हाईली लोकेलाइज होता है यानी कि इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन पर्टिकुलर बिटवीन सम स्पेसिफिक एटम्स वाइल इन द केस ऑफ मेटेलिक सॉलिड ये बॉन्ड हाईली डी है मीन्स यहाँ पर आइटम्स ने इलेक्ट्रॉन uh, शेयरिंग की है बट थ्रू आउट द होल स्ट्रक्चर और किसी एक एटम ने किसी दूसरे स्पेसिफिक एटम के साथ शेयरिंग नहीं की बल्कि थ्रू आउट द स्ट्रक्चर शेयरिंग हुई है सो दिस वॉज ऑल अबाउट टू लेक्चर उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो अगर यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल दैन अल्लाह हाफिज़